बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की बोले श्री सतगुरु महाराज की प्राणाधार आत्मसंबंधी सुंदर साद जी कल की चर्चा में हमने श्री कृष्ण जी के त्रिधार इलाका रहस्य समझा कि 11 वर्ष बावन दिन 11 दिन तथा 112 वर्ष लीला करने वाली तीन अलग अलग शक्तियां हैं रास किसे कहते हैं वास्तव में रास लीला क्या है उसे भी समझा और उसके बाद ब्रह्म सृष्टियों की खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण अब उन्होंने किस तरह से परमधाम में रास के बाद परमधाम में जाने के बाद भी पुनः कैसे खेल मांगा उसे भी सुना अब खेल में ब्रह्म सृष्टियों की सूरता अभी आई नहीं है पर मूल स्वरूप ने तो पूरा खेल पहले ही अपने हृदय में लिया हुआ है इसलिए उन्होंने चूंकि दिल में ले ही लिया था कि ब्रह्म सृष्टियों को जैसे ब्रज में इकट्ठा भेजा वैसे नहीं भेजना है आज देखते हैं हम इस जागनी के ब्रह्मांड में चौथे पांचवें और छठे दिन की लीला में कि ब्रज में तो किस तरह से एक ही स्थान में ब्रज वधुओं के रूप में सभी ब्रह्म सृष्टिया आई हुई थी पर अभी जो जुदाई का खेल देखना था वो यहां पूरा हो रहा है पहले तो सबसे पहले तो तन का बंटवारा है तीन भाग तो तन के हैं विशेष रूप से दो भाग पुरुष तन और स्त्री तन पुराण संहिता में तो किन्नरों के अंदर भी कुछ ब्रह्म सृष्टियां आई है ऐसा वर्णन आता है फिर और बंटवारा किस चीज का कर दिया धर्म के नाम का संप्रदाय के नाम का कि कोई ब्रह्म सृष्टि हिंदू तन में आई है कोई मुस्लिम तन में आई है कोई ईसाई तन में भिन्न भिन्न भिन संप्रदायों के अंदर आई हुई है तो फिर से बंटवारा हो गया टुकड़े और हो गए इसके अलावा भाषा का भेद है अलग अलग कोई हिंदी बोलने वाला है कोई गुजराती बोलने वाला है कोई पंजाबी बोलने वाला है कोई नेपाली बोलने वाला है कोई हो सकता है तमिल मलयालम कन्नड़ तेलगू अंग्रेजी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हों क्या पता राज्य ने उन सभी ब्रह्मात्माओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञानपीठ को माध्यम बना करके 133 भाषाओं में वाणी का अनुवाद कराया है तो इस तरह से बंटवारे पर बंटवारे होते ही जा रहे हैं फिर एक और विशेष चार भागों में बंटवारा कर दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम का अलग अलग वर्णों में आई तो ब्रह्म सृष्टिया अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग वर्णों में अलग अलग वर्गों में, में कोई अमीर है कोई गरीब है कोई मध्यवर्गीय परिवार है इस तरह से आप ब्रह्म सृष्टियों की अलग अलग कैटेगरी बनाने लग जाओ कि कोई राजा है कोई भिखारी है इस तरह से आप कैटेगरी बनाने लग जाओगे तो मुझे लगता है कि जैसे बारह हजार ब्रह्म सृष्टिया तो कम से कम बारह सौ तो डिवाइड हो जाएंगे वो भी मैं कम कह रहा हूं अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए चूंकि जिनको अरब देश की जो सभ्यता है कतेब परंपरा वाली अरबी सभ्यता जो ब्रह्म सृष्टियां ऐसे तनों में डालने वाले हैं जिन ब्रह्म सृष्टियों को तो उनके उनको जगाने के लिए भी उस संस्कृति में आने वाली ब्रह्म सृष्टियों को भी जगाने के लिए एक ज्ञान का प्रकाश भी होना आवश्यक था इसलिए ने अक्षर की सूरता को माध्यम बनाया और उनको कहा भेजा कल की अंतिम चौपाई लीला खेल के आए बरा रब में चलिया मारग इनसे जिस समय अक्षर की सूरता मुस्तफा के तन में आई और मेराज की रात्रि में दीदार करने के पश्चात दर्शन करने के पश्चात उनको मुहम्मद कहा गया उस समय की वहां की परिस्थिति ऐसी थी कि 360 दिन पूजने के लिए अलग अलग देवी देवता बना रखे थे हर दिन अलग देवता की वहां पर पूजा होती थी अलग अलग देवियों की पूजा होती थी ये सभी काल्पनिक देवी देवता माना करते थे और रहन सहन बिल्कुल पशुवत था जानवरों की तरह रहना और सभी अनपढ़ थे कोई और सोचे जब लौकिक शिक्षा ही नहीं धार्मिक शिक्षा तो और दूर की बात है तो बिल्कुल पशुवत गुजारा कर रहे थे ऐसे लोगों के बीच में ज्ञान का प्रकाश करना था और वो ज्ञान का प्रकाश भी कैसा मोहम्मद साहब को दूज का चांद कहा गया है देवचंद्र जी को पूर्णमासी का चंद्रमा और मिहिर राज जी को दोपहर का सूर्य चंद्र देवचंद्र में चंद्र शब्द आया है ना क्या कहा है सुंदरी नामाभ्याम चंद्र माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धि भविष्य पर उनसे पहले अब वह ज्ञान का प्रकाश कुछ हद तक उस तन को माध्यम बना करके आता है और वहां की परिस्थिति कैसी है मोहम्मद साहब अर्थात मुस्तफा का जन्म हुआ ईस्वी सन 570 में अरब के मक्का नामक शहर में उनका जन्म हुआ उनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था छः वर्ष की अवस्था तक आते आते मोहम्मद साहब के माता पिता दोनों का देहावसान हो चुका था पिता तो खैर एकदम जब मोहम्मद साहब जहाँ तक मुझे याद है कि उनका जन्म भी नहीं हुआ था वो गर्भ में ही थे तभी उनका देहावसान हो गया था और माता लगभग छह वर्ष की उम्र में गुजर चुकी थी तो उनका पालन पोषण उनके ही अपने चाचा ने किया जिनका नाम था अबू तालिब वो भेड़ बकरिया इत्यादि चराया करते थे और दिन में एक गुफा में जा करके साधना किया करते थे आंख बंद करके एकांत चिंतन किया करते थे ऐसा करते करते चालीस वर्ष की अवस्था हुई एक रात्रि को जिसको सब ए मेयराज कहा जाता है मेयराज का अर्थ होता है दर्शन शब का अर्थ है रात्रि दर्शन की रात्रि में मोहम्मद साहब को परमात्मा का दर्शन होता है खुदा का दीदार होता है खैर कहानी तो बहुत लंबी है किस तरह से मोहम्मद साहब की सुरता को लेकर के गए पर ये हर वर्ष की भी तक में हम सुनते आ रहे हैं इसलिए मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ जब उन्होंने खुदा का दीदार किया वो कहते हैं कि खुदा मैंने खुदा की अमृत सूरत का दीदार किया जिनके गेसुओं में से इत्र की भीनी भीनी, भीनी खुशबू आ रही थी आप शब महराज पढ़ेंगे ज्ञानपीठ से प्रकाशित भी है नरेश टंडन जी का परिश्रम है आप उसे पढ़ सकते हैं कि दर्शन की रात्रि को क्या क्या हुआ था उन्होंने क्या क्या देखा परम धाम तक जाने की राह में जैसे हम चितवनी में वर्णन करते हैं उनकी जब चितवनी लगी उन्होंने क्या क्या देखा यह सारा वर्णन उसमें है तो इस तरह से जब उनको दर्शन हुआ फिर खुदा और मोहम्मद के बीच में कहा जाता है कि नब्बे हजार हरूफों में बातें हुई और जिसमें से तीस हजार हरफ खुदा ने कहा कि ये शरीयत के हैं शरीयत का मतलब हम बोलचाल में कर्म कांड बोल देते हैं शरीयत का मतलब जीवन शैली कि अरब के लोगों की दिनचर्या कैसी हो कि कम से कम एक आध बार प्रार्थना कर ले जीवन शैली सुधरे जो पशुवत जीवन जी रहे थे उससे कम से कम मनुष्य तो बन जाए ऐसी जीवन शैली बनाने वाली जो भक्ति है उसको शरीयत कहा गया है तो तीस हजार हरफ शरीयत के मोहम्मद साहब के लिए आदेश हुआ कि ये सबके लिए दे देना अनिवार्य कर देना बाकी तीस हजार जो तुम्हें योग्य दिखे साधना हैं कुछ तो उन्हें दे देना और बाकी के जो तीस हजार है वो जब मैं आखिरत को आऊंगा फरदा रोज को कल को जब मैं आऊंगा तब उन्हें जाहिर करूंगा उस हिसाब से कुरान में साठ हजार हरफ होने चाहिए कुरान के माध्यम से मुहम्मद साहब ने अब दर्शन के पश्चात धीरे धीरे वहां के लोगों को ये बताना शुरू किया लोगों को इकट्ठा करके कि तुम ये जो बहुदेववाद की उपासना करते हो ये गलत है परमात्मा एक है तुम्हें एक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए अब होता क्या है मनुष्य का एक स्वभाव है कि भले ही वो गलत है पर कोई दूसरा हमें कहता है कि तुम गलत हो हमें बुरा लगता है पर भारतीय संस्कृति में एक बात जरूर है कि यहां पर भले ही बुरा मानते हैं पर सुन लेते हैं और ऐसी उग्र प्रतिक्रिया नहीं करते पर अरब में जिन लोगों का सुबह शाम का भोजन ही मांस था उनसे इस तरह की समय समझदारी की अपेक्षा करना व्यर्थ ही था इसलिए तो वाणी ने उनको असुर कहा है क्या कहती है वाणी वेद आया देवन पर असुरन पर कुरान अब मोहम्मद साहब ने उन्हें जैसे जैसे समझाना शुरू किया कुछ लोग मानते गए और कुछ लोग विरोध करते गए विरोध करने वालों की संख्या अधिक थी और संख्या इतनी अधिक थी कि वो मोहम्मद साहब को जान से मारना चाहते थे खत्म कर देना चाहते थे तो मोहम्मद साहब वहां से उनको पलायन करना पड़ा मक्का से पलायन करना पड़ा जिसको मुसलमान हिजर कहते हैं हिजर का मतलब पलायन कर जाना और वहाँ से हिजरी सन की शुरुआत हुई है मुस्लिम कैलेंडर जो है ना इस्लामिक कैलेंडर उसकी शुरुआत वहाँ से हुई है कि जिस दिन मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान करके गए पलायन कर गए उस दिन से उसके बाद उन्होंने मदीने में जाकर के लोगों को समझाना शुरू किया वहां कुछ लोगों को इकट्ठा किया ऐसे करते करते उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक टुकड़ी तैयार कर ली अब वहां जो लोग बिल्कुल कट्टर थे और सांप्रदायिक रूप से अंधे थे क्रूर थे उनके साथ केवल ज्ञान से बात करना संभव नहीं था तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वहां पर हथियार भी उठाए युद्ध भी किए अनेक युद्ध किए उन्होंने लेकिन उस समय की परिस्थिति के कारण मुसलमान क्या करते हैं मोहम्मद साहब के जाने के बाद जितने भी मुस्लिम खलीफा हुए बादशाह हुए शासक हुए उन्होंने कुरान की बातों का दुरुपयोग अपनी सत्ता के लिए किया मोहम्मद साहब ने सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी थी उन्होंने केवल स्वयं की रक्षा के लिए युद्ध किया था पर बाकी जितने मुस्लिम हैं उन्होंने केवल अपने राज्य को सत्ता को फैलाने के लिए ऐसा किया तो 570 में उनका जन्म हुआ 40 वर्ष की अवस्था में उनको दर्शन हुआ उसके बाद प्रचार प्रसार का कार्य उन्होंने शुरू किया मक्के से मदीने की तरफ प्रस्थान करके गए और सन छ में उन्होंने वापस मक्का पर विजय प्राप्त किया वापस मक्का चले गए और 632 में उनका देहावसान हुआ लगभग तिरसठ वर्ष की उम्र में और उन्होंने मुसलमानों को विशेष रूप से पांच चीजों की शिक्षा दी कलमा ला इला मोहम्मद रसूल अल्लाह फिर पांच बार का नमाज और तीसरा है जकात चौथा है रोजा और पांचवा है हज कलमा में यह कहा गया है कि एक परमात्मा ही पूज्य है हमें बाकी सबकी पूजा नहीं करनी चाहिए एक परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए और जो कि ला और इलीह से भी ऊपर है क्षर और अक्षर से भी परे है तो ये कलमा हुआ पांच बार प्रार्थना करते हैं उसमें भी उस परमात्मा को याद किया जाता है और मोहम्मद साहब को क्या कहा जाता है मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल अर्थात संदेशवाहक हैं तो दो बातें हो गई तीसरी बात है रोजा रोजा का अर्थ क्या लगाते हैं जाहिरी मुसलमान कि भूखा रहना है भूखा रहने को रोजा कहते हैं जबकि रोजा के विषय में प्रसंग ऐसा आता है कि खुदा ने मुहम्मद को आदेश दिया अरब के लोगों के लिए कहो इनसे कि रोजा रखे तो मोहम्मद ने पूछा कितना खुदा ने कहा साल भर यदि भूखा रहने की बात होती तो साल भर भूखा रखने की बात नहीं होती यह रोजा का अर्थ है आत्म संयम से इंद्रियों पर नियंत्रण करने से हम जिसको दमन और इंद्रिय निग्रह कहते हैं ना हिंदू धर्म में उसी तरह से तो उनको कहा गया कहो इनसे कि रोजा रखे साल भर का मोहम्मद साहब ने का यह तो संभव नहीं है फिर कहे अच्छा छह महीना कर लो छे महीने भी संभव नहीं है चलो तीन महीना कर लो तीन महीने भी संभव नहीं है फिर एक महीने तो एक महीना तो रखना ही पड़ेगा ऐसा आदेश हुआ तो मोहम्मद ने कहा अच्छा ठीक है अब एक महीना करवाने के पीछे ये मनसा थी कि यदि एक महीने के लिए भी कोई कर लेता है जो व्यक्ति एक महीने तक किसी चीज को लगातार फॉलो कर सकता है वो पूरे जीवन भर कर सकता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं इक्कीस दिन के अंदर अंदर आप किसी भी चीज की आदत को लगा भी सकते हैं और पुरानी आदत छोड़नी हो तो छोड़ भी सकते हैं इसलिए एक महीने का टारगेट रखा गया छोटा टारगेट जैसे उदाहरण के लिए कोई जैसे धूम्रपान करने वाला होता है सिगरेट स्मोकिंग करने वाला होता है चेन स्मोकर दिन में तीन तीन डब्बे यदि वो स्मोक कर जाता होगा उड़ा जाता होगा उसको अचानक कह दिया जाए छोड़ने के लिए तो नहीं छोड़ पाता है पर उसको कह दिया जाए कि आज तू एक कम करना रोज तीन डिब्बे पीता है उनमें से आज एक कम करना कल दो कम करना ऐसे करते करते वो महीने भर के अंदर अंदर पूरी तरह से छोड़ सकता है तो इस कारण से उनको एक महीने का रोजा रखने के लिए एक महीने का संयम करने के लिए कहा गया परंतु उन्होंने केवल भूखे रहने को ही रोजा समझा हिंदुओं में भी ऐसा ही किया जाता है देखिए हिंदू और मुसलमान में फर्क किस चीज का है एक तो कल्चर का फर्क है कि वहां की जो प्रवृत्ति है वहां की जो प्रकृति है एक तो आसुरी प्रवृत्ति है पर जहां सैद्धांतिक बात किया जाए मैं व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं प्रवृत्ति उनकी आसुरी है पर जहां सैद्धांतिक बात है कुरान की और इधर सनातन मत की तो उसमें केवल भाषा का भेद है वाणी क्या कहती है कि जो कछु कया कतेब ने सोई कह वेद दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पाए भेद भेद उनको पता नहीं है किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि मानने वाले जो राम के उनको इस्लाम से बुआती आती है भू मतलब गंध दुर्गंध बदबू मानने वाले जो राम के उनको इस्लाम से बू आती है मानने वाले जो इस्लाम के उनको भगवान से बू आती है कौन चलेगा या खुदा तेरे नक्शे कदम पर यहां इंसान को इंसान से बू आती है ये एक बहुत विवेकी व्यक्ति ही इस इस तरह की बात को कह सकता है लिख सकता है या समझ सकता है अन्यथा जिसके अंदर भी सांप्रदायिक कट्टरता होगी हिंदू अपनी कट्टरता नहीं छोड़ना चाहते मुस्लिम अपनी कट्टरता नहीं छोड़ना चाहते पर हिंदुओं में अच्छाई ये है कि वो अपनी कट्टरता दूसरों में नहीं थोपते तलवार के बल पर या किसी भी तरह से वो धर्म परिवर्तन नहीं कराते मुसलमान ऐसा करते हैं उनके अंदर जो क्रूरता का अवगुण है इस अवगुण के कारण उनको असुर की और हिंदू कही कहीं ना कहीं मुसलमानों से अधिक सहिष्णु होता है आज सेक्युलरिज्म की बात की जाती है हमारे देश में यह सेक्युलरिज्म तब तक ही सेक्युलरिज्म है जब तक हिंदू बहुमत में है जिस दिन मुस्लिम बहुमत हो जाएगा जिस दिन मुस्लिमों की संख्या अधिक हो जाएगी ये देश सांप्रदायिक धर्म सहिष्णु नहीं रहेगा ये देश सांप्रदायिक अथवा एक धार्मिक अथवा इस्लामिक देश बन जाएगा आज तक जितने मुस्लिम बावन देश हैं उन सभी देशों में कभी ना कभी तो अल्पसंख्यक ही थे तो ये जो कुरीति है वो हिंदुओं में नहीं है पर इसके अलावा सैद्धांतिक रूप से तो दोनों ही गलत हैं। दोनों गलत कैसे वो मैं बता रहा हूं मुसलमान कुरान की पहचान ही नहीं करते कुरान में जो बात कही है उसका गलत अर्थ करते हैं गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो इस्लाम का अर्थ शांति का मार्ग होता है आज सबसे ज्यादा अशांति का जो मार्ग है वो इस्लाम बना हुआ है और हिंदू क्या करते हैं उन्हें वेद पढ़ना चाहिए था उन्हें वेद की आज्ञा का पालन करना चाहिए था दर्शन उपनिषद इत्यादि पढ़ने चाहिए थे पर वाम मार्ग को उन्होंने अपनाया कुछ पुराणों में जो मिलावटें थी उन मिलावटों को अपनाया उन्होंने सती प्रथा बलि प्रथा बहुदेववाद जन्मना जाति व्यवस्था इस तरह की अनेक कुरीतियों की शुरुआत की तो गलत दोनों है धार्मिक तो दोनों नहीं है ना दोनों सांप्रदायिक है दोनों धार्मिकता और आध्यात्मिकता से बहुत दूर है मनुष्य मात्र का धर्म भी उन्हें नहीं पता इसीलिए किसी कवि ने कहा कि कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग पर दिल के बड़े बेमान है मेरी गली के लोग गीता पे चल रहे ना कुरा पे चल रहे हिंदू हैं ना मुसलमान है मेरी गली के लोग जो हिंदू है वो गीता पे नहीं चलता जो गीता का पाठ करता होगा प्रतिदिन पर जो गीता ये कहती है कि चतुर्वर्ण या माया सृष्टम गुण कर्म विभाग कि मेरे इस सृष्टि में चारों वर्ण गुण कर्म के आधार पर हैं लेकिन वही हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच मानता है नीच समझता है इस तरह से जो हिंदू है वह भी वास्तव में हिंदू नहीं है और जो मुस्लिम है वह भी वास्तव में मुस्लिम नहीं है फिर आगे क्या कहते है? वही कभी कि आज तो आग बहती है यहाँ गंगा और यमुना में कोई बतलाए कहा जाकर नहाया जाए अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए ये वास्तव में धर्म है ये वास्तव में अध्यात्म है मोहम्मद साहब ने भी ऐसा ही सिखाया था कि उन्होंने कहा कि खुद के घर में भोजन बनाने से पहले देखो कि पड़ोसी के चूल्हे में से धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है अर्थात तो उनके घर में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है अब वहां पड़ोसी कोई भी हो सकता है मुसलमान ही वो ये जरूरी नहीं है तो मोहम्मद साहब ने भी जो सिखाया था वह मानव मात्र का धर्म था सनातन मत में भी जो है वह मानव मात्र का धर्म है पर भाषा के भेद से और सांप्रदायिक कट्टरता के कारण दोनों ही अपनी अपनी राह से भटक गए हैं हिंदू वेद से भटका है दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत गीता आदि से भटका है मुसलमान कुरान और हदीस से भटका है मोहम्मद साहब के उपदेशों से भटका है दोनों ही भटके हुए हैं और वाणी तथा बीतक क्या करते हैं हमें कि वितक का कथन है विरोध सारी विश्व का भागत इन वितक। इससे हिंदुओं को हिंदुओं की तरह मुसलमानों को मुसलमानों की तरह प्रबोधित किया जा सकता है समझाया जा सकता है एक तो निजानंद संप्रदाय पर एक बहुत बड़ा आरोप यह लगता है कि इसमें तो सनंद खुलासा मारिफत कयामत, नामा इन ग्रंथों में मोहम्मद साहब का बार बार जिक्र आता है बार बार वर्णन आता है इनकी वाणी में तो इस्लाम परक शब्द हैं उर्दू अरबी फारसी के भी बहुत सारे शब्द हैं तो ये तो मुसलमानों के पक्षधर हैं। ये हिंदू के विरोधी हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि एक निजानंद संप्रदाय ही ऐसा है जो कुरान में लिखी गई धर्म विरुद्ध बातों को बता सकता है कि ये मुहम्मद साहब का कथन नहीं है मुसलमानों को कुरान के ही आधार पर केवल निजानंद संप्रदाय बता सकता है कि तुम कहाँ पर गलत हो और हिंदुओं को भी बता सकता है आज क्या करते हैं हिंदू मुसलमान को गलत कहता है मुसलमान हिंदू को गलत कहता है पर दोनों अपने अपने जगह पर गलत ही हैं और एक दूसरे के जगह पर भी गलत हैं पर वो गलत कैसे है किसी को यह कह देना कि तू गलत है ये बड़ी बात नहीं है पर तू गलत किस वजह से है ये बताना बड़ी बात है और निजानंद संप्रदाय के पास ही एकमात्र ऐसी चाबी है जिससे कि वह हिंदुओं को बता सकता है कि वेद में परमात्मा एक है ऐसा वर्णन किया गया है तो एक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए परमात्मा चेतन है तो जड़ की उपासना नहीं करनी चाहिए सब में परमात्मा का वास है ऐसा मानते हुए हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए जो ज्ञानी है उसको ब्राह्मण और जो अज्ञानी धर्म विरुद्ध है उसको शूद्र अथवा चंडाल समझना चाहिए जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो वही ज्ञानी है जिसने ब्रह्म को जाना वही ज्ञानी है ये वाणी बता सकती है और वही वाणी ये भी बता सकती है कि मुसलमान जो जाहिरी रूप से कलमा नमाज जकत रोजा और हज कह कहत करते हैं उसका बातिनी मतलब क्या है उसका वास्तविक अर्थ क्या है कयामत के जिन लक्षणों को जाहिरी रूप पर मुसलमान घटाते हैं उसका वास्तविक मतलब क्या है जिन बहिष्तों की बात की जाती है उनका वास्तविक मतलब क्या है तो ये केवल वाणी बता सकती है आज हम पर जो आरोप लगते हैं कि ये हिंदू विरोधी है वास्तव में जो ये आरोप लगाते हैं हिंदू विरोधी तो वो है कैसे मैं साबित करके बता सकता हूं जैसे जो व्यक्ति वेद का ये कथन कि एकम सद बहुधा वदंती अग्नि यम मात रेश्वा अर्थात परमात्मा एक ही है उसको ज्ञानी लोग अने, अनेक नामों से पुकारते हैं पर केवल नाम की वजह से अलग अलग आकृतियों की पूजा करें जो ब्राह्मण ग्रंथ ये कहते हैं कि यो अन्य देवताम उपास न वेद यथा पशु भी रेव देवान जो एक को छोड़कर अनेक की उपासना करता है वह ज्ञानी मनुष्य के बीच में पशु के समान है जो भागवत ग्रंथ का कथन ये है कि प्रकृति तथा प्रकृति जन्य पदार्थों में से पत्थर लकड़ी इत्यादि की प्रतिमा बना करके पूजने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं अपितु पशुओं में भी सबका भार ढोने वाला गधा है ऐसे कथनों को सुनकर पढ़कर जान के भी जो मूर्ति की पूजा करता है जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करता है वो हिंदू है या फिर वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले हम बड़े हिंदू हैं वेदों का ये कथन है यथेमाम वाचम कल्याणी वाचम उदेभ्य मेरा जो अवतरण है मेरा जो प्रगटन है वेद का कथन है कि मेरा प्रगटन सबके कल्याण के लिए हुआ है राजना ब्रह्म राजनाभ्याम ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण के लिए भी राजजन के लिए भी और उसके बाद में जो वैश्य है व्यापार करने वाले उनके लिए भी शूद्र के लिए भी और उनसे भी नीचे नीचा कोई वर्ण हो समाज में तो उनके लिए भी मेरा कल्याण मेरा अवतरण हुआ है इस वेद के कथन को मानने वाला बड़ा है या फिर वेद के ऐसे कथन को देखते हुए भी मैं जन्मना ब्राह्मण मैं बड़ा और वह शूद्र है वह छोटा ऐसा कहने वाला बड़ा हिंदू है तो यजुर्वेद का कथन है भो यजमानस्य पशुन पाही, कि यजमान पशु पशुओं की रक्षा करें इस तरह से पशु की रक्षा का नारा देने वाला वेद उसका पालन करते हुए शाकाहारी जीवन यापन करने वाले बलि प्रथा का विरोध करने वाले हम हिंदू हैं अथवा ऐसी आज्ञा देखते हुए भी जो तथा कथित रूप से इस देवी को चढ़ाना है उस देवता को चढ़ाना है मनसा देवी को चढ़ाना है कामाख्या को चढ़ाना है भैरव को चढ़ाना है ऐसा कहते हुए पशुओं की बलि दे देते हैं वो बड़े हिंदू है कि हम बड़े हिंदू तो इसलिए केवल मुख से कहने कह देने से कि हम हिंदू हैं हिंदू नहीं हुआ जाता है हिंदू होने के लिए कम से कम धर्म के इन लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए उन लक्षणों का पालन करना चाहिए जो भी वास्तव में वेद दर्शन उपनिषद के आधार पर धर्म के लक्षणों पर चल रहा है वही वास्तव में हिंदू है जो हीन कर्मों से दूर है वह हिंदू है और जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हमारा ईमान ऐसा है वैसा है केवल छोटा पजामा और लंबा कुर्ता पहन लेने से ईमान नहीं होता है ईमान का तात्पर्य तो पहले तो समझना होता है आज बहत्तर फिरके हैं मुसलमानों के अंदर सुन्नी है सियाह है बहाई है वहाबी भी है वरेल भी है अहमदिया है देवबंदिया है ऐसे अनेकों फिरके हैं सभी एक दूसरे की खून के प्यासे हैं जो मुसलमान इस्लाम का अर्थ शांति का मार्ग है ऐसा जानते हुए भी अशांति फैलाता है जो मुसलमान ये जानते हुए भी कि खुदा तक न खून पहुंचता है न चमड़ी पहुंचती है न हड्डी पहुंचती है न मांस पहुंचता है न चर्बी पहुंचती है उस तक तो केवल सच्चे दिल से की गई तकवा ही पहुंचता है तकवा मतलब दुआ प्रार्थना ही पहुंचता है ऐसा जानते हुए भी जो भेड़ बकरी और अनेक जानवरों को बकरीद के दिन और अलग अलग ईदों के दिन काट डालता है वो कैसा मुसलमान जो मुसलमान ये जानता है कि मोहम्मद साहब ने कहा था तुम्हारा ईमान तुम्हें मुबारक और हमारा ईमान हमें मुबारक तुम्हारा काम है संदेश देना पर मानना या न मानना सामने वाले के हाथ में, सामने वाले के ऊपर है तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते इतना जानते हुए भी जो तलवार के बल पर जबरदस्ती हथियार के बल पर मुसलमान बनाना चाहे या फिर छल प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के जिहाद के माध्यम से दूसरे को का धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो कैसा मुसलमान तो दोनों अपने अपने धर्म से विमुख हैं वास्तव में निजानंद दर्शन इस बात को स्पष्ट रूप से रख सकता है दोनों में समाना समानताएं कौन कौन सी हैं और विरोधाभास कौन कौन से हैं समानता के कारण कौन से हैं विरोधाभास का कारण कौन सा है ये सारा केवल निजानंद दर्शन के पास से इसका ज्ञान है और किसी के पास भी नहीं है तो इस तरह से मोहम्मद साहब ने तिरसठ वर्ष की उम्र तक वहाँ के लोगों को एक सामान्य रूप से जीवन यापन कैसे करना है वो सिखाया उसके बाद में उनका देहावसान हुआ उसके बाद का पूरा इतिहास अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसके लिए समय का भी अभाव है हाँ जहाँ तक मुझे लगता है राज्य की कृपा से एक पुस्तक है वार्षिकोत्सव में प्रकाशित होने की संभावना है तो उस पुस्तक में ये सारा विवरण दिया हुआ है मोहम्मद साहब के जाने के बाद से और वाणी जिस समय अवतरित हो रही थी उस समय तक की पूरी परिस्थिति जो मुसलमानों का इतिहास है वो सारा उसमें लिखा गया है हाँ उसका थोड़ा सा कार्य बाकी है तो वार्षिक उत्सव में प्रकाशित होने की संभावना है आप उसको पढ़ करके लाभ लेंगे ऐसी मेरी कामना है अब मोहम्मद साहब के जाने के कितने वर्ष के बाद 990 वर्ष और 9 महीने के बाद ब्रह्म सृष्टियों की सूरताएं इस जागनी के ब्रह्मांड में इस काल माया के ब्रह्मांड में आई सन 632 में मोहम्मद साहब का देह त्याग हुआ देहावसान हुआ उनके जाने के 990 वर्ष के बाद क्या कह रहे हैं साल नौ सौ नब्बे मास नौ हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसलगा जियो सैया उतरे तब तो श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टिया इस संसार में अवतरित हुई उनमें से चूंकि तीसरे दिन की लीला का भी हमने वर्णन सुना चौथे दिन की लीला में देवचंद्र जी की लीला की प्रधानता है नाम तो और लोगों का भी लिया जाएगा आगे जा करके पर चौथे दिन की लीला श्री देवचंद्र जी की है इसलिए अब उनके विषय में बताने जा रहे हैं कि श्यामा जी की सूरत आई ब्रह्म सृष्टिया भी आई पर ब्रह्म सृष्टियों को खोजने का कार्य सबसे पहले श्यामा जी को राज्य ने सौंपा है तो इसलिए पहले वो राज्य तक कैसे पहुंची उनकी भूमिका कैसे बधी उसके विषय में पहले बताएंगे तो विक्रम संबद सोलह अश्विन का महीना अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को श्री देव चंद्र जी का जन्म मारवाड़ में हुआ मारवाड़ वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है और उसमें भी मारवाड़ में भी गांव का नाम है उमरकोट तामे गांव उमरकोट मथु मेहता घर अवतार माता जो बाई ताको कहो विचार तो मतु मेहता पिता का नाम है माता का नाम है कुंवर बाई उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया देवचंद्र जब उनका जन्म हुआ तो कहते हैं जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार घर के जो नर नारी थे माता पिता बहुत ही आनंद में हुए क्योंकि बहुत विवाह के कई वर्षों तक भी उनकी कोई संताने नहीं थी तो जब लंबे अंतराल के बाद में घर में कोई बच्चा आता है तो खुशी होना स्वाभाविक है वैसे अगर विवाह के तुरंत बाद भी बच्चा हो जाता है तब भी लोग खुश तो होते ही हैं पर इतने प्रतीक्षा के बाद में जन्म हो रहा है बालक का तो वो प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता केवल घर के, के नर नारियों तक सीमित नहीं रही लाक्षणिक आलंकारिक रूप से क्या कहा जा रहा है यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार समस्त ब्रह्मांड में जितने भी त्रिगुणात्मक जीव है त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है उनको भी बधाई दी गई बधाई देने कोई गया नहीं पर लाक्षणिक रूप से कहा जा रहा है जैसे किसी व्यक्ति का हृदय प्रसन्न होता है तो उसको क्या लगता है पूरा शहर हंस रहा है पूरा शहर खुश है प्रसन्न है जबकि शहर तो क्या है बोलचाल में कहा जाता है ना इसी तरह से अब श्री लालदास जी वर्णन कर रहे हैं तो वो उस भाव से वर्णन कर रहे हैं कि पूरे त्रिगुणात्मक सृष्टि को ही बधाई मिली और बधाई मिले भी क्यों ना क्योंकि उस तन के द्वारा ही ऐसे ज्ञान का अवतरण होना है जिस ज्ञान का बाद में वृक्षारोपण हुआ और वाणी के रूप में वह ज्ञान प्रकाशित हुआ अवतरित हुआ इसलिए वह स्वरूप ऐसे हैं कि सुखदाई सबन को अखंड करण हार विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा था कि ये जो स्वरूप होंगे वे सबको सुख देने वाले होंगे और सबको अखंड मुक्ति देने वाले होंगे आज तक इस दुनिया के लोग अधिक से अधिक महाविष्णु तक की वैकुंठ तक की निराकार तक की उपासना करते थे बहुत कम लोग जो थे अक्षर तक की समझ रखते थे वेदों में अक्षर तक का वर्णन था पर इससे परे का वर्णन किसी ने भी नहीं किया था अब इनके द्वारा ऐसा होना है तो सुखदेव जी ने क्या कहा है भागवत के अंदर देवापी संतनूर भ्राता मरुच्छाकु वंश कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वित तावी हैत्य कले रंते वासुदेवा शिक्षित वर्णश्रम युतम धर्म पूर्ववत जो संतनु के भाई थे भीष्म पितामह के पिता संतनु के भाई और इच्छाकु वंश के मरु थे इन्होंने कलाप ग्राम में तप किया था और तप करके विष्णु भगवान से ये वरदान प्राप्त किया था क्योंकि उन्हें अंत प्रेरणा हुई थी क्योंकि राज्य आएंगे तो वो अपने लिए तैयारी तो करेंगे ही उन्हें अंत अंत प्रेरणा हुई थी कि अक्षरातीत पर अट्ठाईसवीं कलयुग में आकर के लीला करने वाले हैं दो तनों में बैठ करके तो उन्होंने वरदान मांगा कि ये दो तन हमारे हों उन्हें वरदान मिला उन्हीं में से जो देवापी हैं उनका जीव अब देवचंद्र जी के रूप में जन्म लेता है और क्या कह रहे हैं सतयुग के बीजभूत सतयुग के बीजभूत इनो बीज रहे विस्तार होवे सब में जाहिर अखंड संसार सतयुग के बीजभूत का तात्पर्य क्या है चार युग है चार युग की अवधारणा को दो प्रकार से समझते हैं चारों युगों में सतयुग में चार गुणों की प्रधानता है चार लक्षण सत्य तप ज्ञान और कर्म चारों गुणों की प्रधानता है त्रेता में तप ज्ञान और कर्म की प्रधानता रहती है पर ऐसा नहीं है कि सत्य रहेगा ही नहीं ऐसा तो नहीं है पर थोड़ा सतयुग से थोड़ा गौण हो जाता है द्वापर युग में ज्ञान और कर्म की प्रधानता रह जाती है और कलयुग में कर्म प्रधान रहता है बाकी तीनों चीजें गौण हो जाती है कम रूप में रहती है गौण होने का मतलब नष्ट नहीं हो जाता तो एक ये अवधारणा है आज कलयुग में देखेंगे सत्य का भी प्रचलन सच सच पसंद तो है पर दूसरा बोल रहा हो तो पसंद होता है ठीक है तप की प्रवृत्ति नहीं है स्वयं को कष्ट देने की प्रवृत्ति नहीं है सुविधाओं के लिए ही तो पूरी भागदौड़ है ज्ञान के लिए खोज किसी के अंदर भी नहीं है जो भी कर रहे हैं बस कर्म करे जा रहे हैं गलत दिशा में ही सही पर कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं वाणी के दिन जब, जब से सूरज देख ही लेत अंधेरी घेर जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे या के फेर तो इस तरह से कर्म किए ही जा रहे हैं अंधेरे में परिश्रम किए जा रहे हैं तो ये जो चार युग है इनको हम अवस्था के रूप में भी समझ सकते हैं अवस्था कैसे कि कलिर शयानो भवती अज्ञानता की नींद में सोने का नाम कलयुग है संजीहानस तु द्वापर है ज्ञान प्राप्त करके जाग जाने का काम द्वापर है उसके बाद हम उठ करके खड़े हो गए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो वह कहलाएगा त्रेता और धाव मान सतयुग दौड़ना हम लक्ष्य प्राप्ति की तरफ हमने दौड़ लगाना शुरू किया तो उसको कहेंगे सतयुग जैसे विवेकानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया ना कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलो वाणी क्या कहती है सुता हो जागियो जो सूता होए है वो कलयुग है सुता सो जागियो, फिर जागा सो बैठा होए, बैठा होए हो पाव आगे भरे सोए तो धर्म पर चलने का नाम अध्यात्म पर चलने का नाम सतयुग है और उस सतयुग का जो बीज रूप है वो इनके बीच में है और आगे इनके द्वारा विस्तार होना है सच्चे धर्म की राह अध्यात्म की राह ये आगे जाकर के सिखाने वाले हैं इसलिए उनको कहा गया सतयुग के बीजभूत आगे कहते हैं सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस चार पांच छठा दिन तब जाहिर हो गए अरस परम नाम का ज्ञान चौथे पांचवें और छठे दिन की लीला में जाहिर होगा जिसमें से चौथे दिन की लीला श्री देवचंद्र जी की है अब कहते हैं तीन स्वरूप के बीत तक जन्म से लेकर सो कहूं आगे संयनों ए चर्चा सब ऊपर अब जन्म से लेकर अभी तक सुनाने जा रहे हैं देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ वो तो हमने सुना ही विक्रम संबत सोलह सौ का महीना चतुर्दशी अब जन्म लिया धीरे धीरे बड़े होते गए जिसे कहते हैं ना पूत के जो पाव हैं वो पालने में दिखते हैं देवचंद्र जी ग्यारह वर्ष के थे और उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हुए कि जो प्रश्न अथवा जो विचार कई बार पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है तब भी किसी को नहीं आते 11 वर्ष की उम्र में उनके मन में विचार आ रहा है कि मैं कौन हूं मैं कहा से आया हूं जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार मैं कौन कहा भरता कि मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है अब क्या करते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में अपने गांव के अलावा भी इधर उधर के गांव में जहां जहां वो पहुंच सकते थे जाकर के परमात्मा के विषय में पूछते हैं पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर जिन सब को पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर जिसने सृष्टि को बनाया वो परमात्मा कहाँ पर है अब यहां से एक साधक की यात्रा शुरू होती है ये केवल देवचंद्र जी की यात्रा इसको मत समझना ये हर ब्रह्म सृष्टि की यात्रा है पर जो सबसे पहले देवचंद्र जी यात्रा नहीं कर रहे हैं अभी अप, अपनी देवचंद्र जी रास्ता बना रहे हैं बने बनाए रास्ते में यात्रा करना तो सरल है पर नया रास्ता बनाना सबसे कठिन कार्य है और हम तो बने बनाए रास्ते में भी नहीं चल पा रहे देखिए देवचंद्र जी ने रास्ता बनाया मिहिर राज जी ने उस पर चल करके दिखाया और उसके बाद छठे दिन की लीला में आने वाले ब्रह्म सृष्टियों ने भी न केवल उस पर चला पर हम सबको वो रास्ता दिखाने का भी काम किया एक तो होता है कि रास्ता बना हुआ है पर हमें उस रास्ते तक पहुंचाने का काम अब तक के परम हंसों ने किया है कि उस रास्ते पर हमें चलना है तो हमारे लिए तो काम सबसे आसान है रास्ता बनाया भी है कैसे चलना है वो भी पता है और वो रास्ता भी अंधकार भरा नहीं है परम हंसों ने चल करके हमें दिखा दिया है तो अभी जब हम देवचंद्र जी की यात्रा को सुने तो साथ में ये भी प्रश्न हमारे मन में हो ये भी विषय हो कहीं ना कहीं कि यदि हमारे पास तारतम ज्ञान नहीं होता तो हम भी ऐसा ही कर रहे होते वो भी तब जब जिज्ञासा होती तारतम ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास नहीं है पर धर्म की तरफ कौन बढ़ रहा है पर जो ब्रह्म सृष्टि है उनको विचार करना चाहिए कि हमें तारतम वाणी मिली है तो उसकी कीमत क्या है इसको यहाँ तक लाने के लिए कितना प्रयास किया गया है जैसे भगीरथ प्रयास कहते हैं ना पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में से गंगा को इस संसार पर लाने के लिए भगीरथ जी ने अथक प्रयास किया तब जा कर के भगीरथी जो है वो धरती पर आई वाणी हम तक पहुंचाने के लिए अभी तो वाणी अवतरण भी अवतरित भी नहीं हुई है पर प्रयास तो किया जा रहा है देवचंद्र जी खोज कर रहे हैं जिनकी खोज का लाभ हमें लेना चाहिए पर वो भी नहीं ले पा रहे हैं तो इसलिए इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास भी तारतम्य नहीं होता तो हमें भी शायद ऐसे ऐसी जगह पर जाना पड़ता पर राज्य की बड़ी मेहर है कि हमें सब कुछ बना करके पका करके दिया है अब हमें केवल खाना बाकी है तो देवचंद्र जी आसपास के क्षेत्रों में जाकर के पूछते हैं तो क्या कहते हैं को कहे वह घट, घट कोई कहता है कि कण कण में परमात्मा है आज भी संसार में ऐसा ही है आप वाणी को एक तरफ रख करके दुनिया में परमात्मा को खोजने जाएंगे तो यही कहा जाएगा कि परमात्मा तो कण कण में है तुम कहां खोज रहे हो को कहे वह घट घट है व्यापक संसार वो तो पूरे संसार में व्यापक है फिर देवचंद्र जी ने उसको भी कैसे लिया कि जब सब में व्यापक है तो फिर मुझ में भी है तब जानिया वह निकट यही ग्रहों में सार कि मैं चीज से यही ग्र... सार ग्रहण करूंगा कि मुझ में भी वह परमात्मा होगा और जब मुझ में भी है तो मैं उसको पाकर ही रहूंगा अब इसी खोज के क्रम में वहां एक मंदिर था एक देहुरा तहां रहे तामे मूरत पिंगल श्याम श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी पिंगल कहते हैं टेढ़ी मूर्ति टेढ़ी मूर्ति कैसे एक पैर मोड़ करके दूसरे पैर के पीछे रखा हुआ है दाया पैर मोड़ करके हाथ में बांसुरी है बांसुरी होठ में तो हाथ भी मुड़े हुए हैं कमर भी थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई है तो इस तरह से टेढ़ी मूर्ति है कृष्ण जी की और उन उस मर मंदिर में जाकर के देवचंद्र जी परिक्रमा करते हैं प्रतिदिन एक प्रहर की परिक्रमा करते हैं सुबह उठते हैं लोटा लेकर के दंत धावन के लिए नित्य क्रिया के लिए निकलते नित्य क्रिया करके अब उस समय वहां पर पानी का अभाव हुआ करता था प्रतिदिन नहाना तो सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि पानी बहुत कम तो देवचंद्र जी बस नित्य क्रिया इत्यादि करके मंदिर जाते हैं और प्रतिदिन एक प्रहर की परिक्रमा करते हैं दंडवत परिक्रमा करते हैं अब एक विडंबना ये थी एक दुखद पक्ष ये था कि कच्छ देश में पानी की कमी होने के कारण कोई भी साधु संत वहां आते नहीं थे बहुत कम कभी संयोग बस आना जाना हुआ उस रास्ते से गुजरते हुए कोई किसी ने प्रवेश किया तो वो अलग बात है पर बाकी बहुत कम लोग आते तो एक दिन देवचंद्र जी अपने पिता मतु मेहता जी के साथ व्यापार के कार्य के सिलसिले में कच्छ देश पहुंचे मारवाड़ से उमरकोट से कच्छ पहुंचे वहां उन्होंने देखा कि कच्छ में मंदिर बहुत हैं और मंदिर के साथ साथ में साधु संत भी बहुत सारे हैं तो उन्होंने सोचा कि मुझे ना यहाँ आ जाना चाहिए यहाँ मंदिर भी बहुत है साधु भी बहुत है तो मुझे कहीं ना कहीं से किसी न किसी से ज्ञान मिल जाएगा तो उन्होंने अब सोचा कि किस तरह से यहां से निकलो क्योंकि घर वाले इकलौती संतान है घर वाले कैसे जाने दे घर वालों को तो क्या चाहिए कि हमारी जो संतान है हमारे जो बच्चे हैं वो हम हमसे बधे रहे भले ही वो खुद अपने माता पिता से न बधना चाहे पर अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बधे रहें अब देवचंद्र जी के मन में तो वैराग्य है क्या कह रहे हैं घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग दुनिया से वैर रहे उन्हें देखे लगे आग घर में खटपट है और मन में वैराग है वैराग किसे कहते हैं अध्यात्म का जो भी व्यक्ति जिज्ञासु होगा बिना वैराग्य के वह जिज्ञासु नहीं बन सकता वैराग्य का अर्थ होता है पतंजलि मुनि योगदर्शन में कहते हैं दृष्टा अनुश्रविक विषय वित्रृष्णस वशिकार संज्ञा वैराग्यम देख करके और सुन करके अनुभव किए गए विषयों की जो तृष्णा है उन तृष्णाओं को वश में करने का नाम वैराग्य है और एक है राग क्या कह रहे हैं दुनिया से वैर रहे है ना कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राग से वैर होना वैराग्य है कुछ हद तक ये भी ठीक है पर तुकबंदी है शास्त्रीय अर्थ नहीं है राग कहते हैं सुखानुसाई राग जो चीज हमें सुख प्रदान करने वाले हैं उनसे हमारा जो लगाव होता है उनको राग कहा जाता है और उनसे विरोध करना ये वैराग्य हो जाता है इस तरह से भी हम समझ सकते हैं तो उनको अब घर के लोगों से वैराग्य है विरक्ति है वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से मैं यहां से निकल करके जाऊं घर वालों को देख करके उनके मन में आग लग जाती है आग लगने का मतलब कि वो देखना ही नहीं चाहते उनको लगता है कि ये किसी तरह से मुझे बांधे रखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं घर वाले समझाते रहे बहुत समय तक लेकिन देवचंद्र जी मानते ही नहीं वो उनके मन में लगा रहता है कि मुझे तो विदेश जाना ही है विदेश का मतलब कच्छ देश जाना ही है वहां जाकर के मैं खोज करूँ कोई मोहे दे उपदेश की कोई तो मुझे उपदेश देगा अब कहते हैं पूछत फिरे सब ठोरों कोई मुझे बतावे राह जहां जहां भी जाते हैं वो कच्छ देश जाने का रास्ता पूछते हैं क्योंकि इससे पहले तो एक ही बार गए थे रेगिस्तान में रास्ता याद करना बहुत मुश्किल होता है आज के जैसा गूगल मैप तो नहीं था आज तो हम इतने समझदार हैं कि गूगल मैप के बावजूद रास्ता भटक जाते हैं तो देवचंद्र जी के समय में तो ऐसा कुछ था नहीं और बनी बनाई सड़क भी नहीं होती थी केवल एक अनुमान के आधार पर कि चलो उत्तर दिशा में इतने कोष तक चलना है और कोष का भी पता कैसे चले माइलस्टोन तो होते नहीं थे तो अनुमान होता था कि जैसे लगभग पंद्रह मिनट तक एक निश्चित स्पीड से चला जाए तो हम एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर चलते हैं आधा घंटा चलेंगे तो इतने कोष पार करेंगे इस तरह से अनुमान के आधार पर लोग चलते थे या फिर सुनी सुनाई बात होती थी कि इतने कोष पर ये गाँव पड़ता है उतने कोस पर उसके आगे उतने कोस पर यह गांव पड़ता है तो पूछते पूछते ही जाना होता था हमारी तरह राह आसान नहीं थी तो देवचंद्र जी पूछ रहे थे कहीं कि कोई कहीं बताने वाला मिल जाए और उसी समय संयोग ऐसा हुआ कहते हैं ना जहां इच्छा वहां उपाय जहां चाह तहा राह वेर देर इज विल देर इज अ उनके मन में दृढ़ भावना थी कि मुझे जाना ही है उनको रास्ता भी मिल गया कि उस समय उमरकोट का जो राजा था उनके वजीर तलवार विवाह के लिए खांडा विवाह के लिए कच्छ जाने वाले थे खांडा विवाह इस तरह की प्रक्रिया है कि पुराने समय में क्योंकि ये सब तो छोटे छोटे राजे रजवाड़े हैं तो जो रेगिस्तान के रास्ते से जाना होता था राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में तो लुटेरे जो चोर है वो घात लगा करके बैठे रहते थे और अचानक से धावा बोल देते थे अचानक से हमला करते थे और फिर जितने लोगों को मार सकते थे मार करके लूट करके भाग जाते थे तो इसीलिए राजकुमार को नहीं भेजा जाता था विवाह के लिए या जो दुल्हा है उसको नहीं भेजा जाता था उसके जगह पर सैनिक जाते थे क्योंकि लोगों की जो सोच है वो पहले से ये रही है सत्ता पक्ष की कि सैनिक मरे तो मरे तो वो सैनिक भेजते थे और कन्या का विवाह तलवार के साथ होता था वहां से तलवार के साथ विवाह करके जब वापस कन्या ससुराल में आती थी तो पुनः विवाह का उत्सव किया जाता था तो इसी तरह से उमरकोट के राजा का राजा की तलवार लेकर के वहां का जो वजीर था कच्छ जा रहा था उसमें 200 सवार थे घुड़सवार लोग थे और एक ऊंट गाड़ी थी देवचंद्र जी ने जब सुनी तो देवचंद्र जी पूछने गए तो वजीर ने कहा कि हाँ हम कच्छ जाने वाले हैं तो देवचंद्र जी ने पूछा कि आपके पास देवचंद्र जी ने कहा मुझे भी जाना है तो वजीर ने कहा कि आपके पास कुछ है असवारी सवारी कुछ है कैसे जाओगे तो देवचंद्र जी कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं मैं आपके पीछे पीछे पैदल आ जाऊंगा अब कहा घुड़सवारी कहा पैदल कैसे संभव है तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते देवचंद्र जी थोड़े निराश तो थो हुए लेकिन सोचते हैं कि मुझे इनसे पूछने की क्या जरूरत है ये जैसे ही निकल जाएंगे मैं भी इनके पीछे पीछे इनको देखते हुए चला जाऊंगा क्योंकि मुझे वैसे भी तो शादी में थोड़ी जाना है मुझे तो अपने कार्य के लिए जाना है अपने प्रियतम की परभ्रम की खोज में जाना है तो मैं इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा जा अब घर चले गए घर जाकर के तैयारी करने लग गए कि रास्ते में जो जो भी चीजें चाहिए तो घर जा के थाली ली एक थाली कटोरा छोटी सी कढ़ाई भोजन बनाने के लिए एक जल के लिए लोटा लिया और एक झोला टाइप का जैसे पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा आज से तीस चालीस साल पहले भी जो जोगी आता था गांव में ऐसे झोला लटका करके है ना और साथ में शंख होता था गांव में शंख बजाते थे रात के समय में और फिर अगले दिन सुबह आते थे दान लेने के लिए तो इस तरह का उन्होंने झोला तैयार किया और फिर झोला कमर में बाधा और थोड़ा बहुत जो भी खर्चा रखना था वो रख करके तैयार होकर के अब बैठे सारा पैकिंग वगैरह हो चुका है उनका बस अब नजर बचा करके निकलना है दोपहर का भोजन उन्होंने लिया और फिर आराम कर रहे हैं क्योंकि रात भर यात्रा करनी है तो आराम करते करते शाम के साढ़े चार बजे का समय हो गया है दिन पिछला दिन रहया घड़ी चार। ले प्रसाद पौड़ रहे पिछला दिन रहया घड़ी चार। वे साथ असवार भय ए करने लगे विचार अब वो लोग सवारी हो गए मतलब वहां से चल दिए देवचंद्र जी भी विचार कर रहे हैं क्योंकि देवचंद्र जी को पता चल गया 200 लोग घोड़े पे सवार हो कहीं जाएंगे पास से निकलेंगे तो वो तो पता चल ही जाता है तो वो विचार करने लगे कि अब कैसे जाएंगे तो उन्होंने देखा माता पिता थोड़े बहुत थोड़ा इधर उधर हुए हैं मेन गेट पर से द्वार पर से तो नजर बचा करके देवचंद्र जी निकल गए अब चलते चलते थोड़ी देर में रात्रि हो गई लगभग 100 या 120 किलोमीटर का सफर शायद होगा तो थोड़ी देर चले इतने में रात्रि हो गई अब वो रेतीली जगह रेती रेगिस्तान में क्या होता है दिन भर तो बहुत गर्मी होती है हवा भी नहीं चलती और हवा चलती भी है तो ऐसा लगता है कि बस हम भाफ के पास रह रहे हैं खड़े हो रहे हैं लेकिन रात को बहुत ठंडी हवा तेजी से चलती है वहां की जलवायु इस प्रकृति इस प्रवृत्ति की होती है तो अब जब रात को तेजी से हवा चलती है तो एक जगह की रेत उड़ करके दूसरे जगह चली जाती है तो जो पद चिन्ह है फुट स्टेप्स वो पद चिन्ह भी दूसरे जगह के रेत से ढक जाते हैं अब रास्ते का पता ही नहीं चलेगा अब देवचंद्र जी सोलह वर्ष की उम्र के बालक हैं पैदल चल रहे हैं और घुड़सवारों के पीछे पीछे कहाँ तक संभव था तो ऐसे चलते चलते क्या कहते हैं वय बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द न जाने आगे पीछे है हैं कौन जागा सरहद अब एक बालक है मन में डर है एक तो जब बहुत तेजी से चलते हैं तब भी पेट में दर्द होता है और जि जितने भी लोग यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और जो बुजुर्ग है वो भी कभी ना कभी तो बच्चे थे ही बचपन में जब बच्चे को डर लगता है बहुत ज्यादा तब भी उसके पेट में दर्द होता है कुछ लोगों को तो दस्त भी छूट जाते हैं बहुत ज्यादा डरने की वजह से कुछ लोगों की ना खिसक जाती है तो देवचंद्र जी को भी अब क्योंकि 16 वर्ष के ही एक तो लगातार दौड़ रहे हैं थोड़ा डर भी है रास्ते की रास्ते में कोई मिल ना जाए तो उनके पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है और न ये जानते हैं कि आगे कितनी दूर चलना है मैं कितनी दूर आ गया हूँ ये जगह कौन से ये सरहद ये सीमा कौन से है कहाँ तक पहुँचाऊ कोई अता पता नहीं और यो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार ऐसे चलते चलते एक शख्स ने दर्शन दिया अब दर्शन दिया मतलब दिखाई पड़ा अब देवचंद्र जी डरे कि कहीं ये चोर तो नहीं है क्योंकि रेगिस्तान में इतनी रात को कोई व्यक्ति क्या कर सकता है क्योंकि वो है थे भी कैसे दाढ़ी थी हाथ में बर कमर में तलवार ऐसे व्यक्ति को देख करके क्या अनुमान लगाएंगे तो देवचंद्र जी ने सोचा ए चोर मोको मारेगा नहीं बचने का ठोर मेरा कछु न चलें मुझ गई दिश और कि अब तो मेरा कुछ नहीं चलने वाला मैं क्या लेने के लिए निकला था और अब मैं किसी और दिशा में चला जा जाऊंगा मेरा तो लक्ष्य ही शायद पूरा ना हो ऐसा वो सोच रहे चिंतन कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा जो जिस रूप में चाहता है जाको दिल जिन भाषो ना देवचंद्र जी जब घर से निकल रहे थे तो ये सोच रहे थे कि रास्ते में एक चोर मिलेगा तो मैं क्या करूंगा इसलिए तो उन्होंने कटारी रखी थी ना तो इसलिए अब उसी वेश में दर्शन दिए और आगे अब वह स्वरूप किस तरह से श्री देवचंद्र जी को उन सिपाहियों के पास जो बाराती थे उन बारातियों के पास पहुंचा देते हैं कच्छ पहुंचने के बाद में किस तरह से उनकी खोज की प्रक्रिया शुरू होती है कैसे कैसे वो कनफटे साधुओं के पास जाते हैं कापालिकों के पास जाते हैं मस्जिद में भी जाकर के मुल्ला की भी सोहबत करते हैं राजगुरुओं के पास जाते हैं राजयोग कराने वाले लोगों के पास जाते हैं फिर भोजनगर पहुंचते हैं तो ये सारी खोज की यात्रा किस तरह से है इसके विषय में हम सुनेंगे चर्चा कल अब समय पूरा होता है चौपाई दोहराइए ए चोर मोको मारेगा, मो मारेगा नहीं बचने का ठोर मेरा कछु न चल है मुझ गई दिस और मुझ गई दिस और बोले श्री प्राणनाथ बोले श्री सदगुरु महाराज प्रणाम